तो वो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज एक बात सोची, आप उस पर कितना सहमत होंगे आप ही बताओगे भाई। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि हरियाणा में या पूरे देश में किस नेता को सबसे ज्यादा गाली मिला है, आप भी सोच दोगे बात तो है ना। तो और कौन सा नेता शरीफ है और कौन कौन से नेता अपने खतरनाक लग गए हैं, और जिनसे अपने खतरनाक भी लग दे होंगे तो लोग उनका गाली भी कम दिन दे पाओगे। मतलब मेरा एक आकलन सा है, हो सकता है मैं गलत हूं, तो आप थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बता दियो भाई जगदीप उड़ा उड़ा गलत था। ठीक है, अगर मैं हरियाणा की बात करूं और हरियाणा में जैसे किरण चौधरी हैं, अपने लिए अपनी बेटी के लिए लड़े हैं, राव इंद्रजीत हैं अपने लिए अपने बेटी के लिए लड़े हैं, कांग्रेस वाले जेपी साहब हैं खुद के लिए और बेटे के लिए हैं, रणदीप सुरजेवाला जी हैं खुद के लिए हैं अपने बेटे के लिए हैं, और ऐसे कितने नेता। भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसका बड़ा एग्जाम्पल कौन होगा कहीं। अब तो लोग नो भी कहने लगे अपने पुत्र की मोह में बहुत ज्यादा डूबे, तो ये पुत्र मोह ही है सबसे ज्यादा। मतलब क्योंकि हुड्डा साहब सबसे बड़े नेता भी हैं विपक्ष के, अब तो खैर बिरानी विपक्ष के हैं कि नहीं है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री तो रह चुके हैं और उनके ऊपर भी पुत्र मोह का आरोप लगा है। और ऐसे कितने ही नेता रहे हैं जो पहले अपने बारे में सोचेंगे, अपने बेटे के बारे में सोचेंगे, अपने खानदान के बारे में सोचेंगे, जब सारा फिर अपने गोत्र वाले के बारे में सोचेंगे, फिर अपना गांव गुआंढ के बारे में सोचेंगे, फिर अपने नगर के बारे में सोचेंगे, फिर जिले के, फिर हरियाणा के, फिर देश देश तक, तो फिर कौन जाएगा। तो उस स्तर तक कितना सोचा है एक नेता अपने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी। अच्छा, अपने चौटाला साहब रह गए, देवीलाल, बंसीलाल, भजनलाल, अपने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हैं उधर, फिर अजय सिंह चौटाला जी हैं, अभय सिंह चौटाला जी हैं, कितने लोग हैं जो अपने परिवार के लिए लग रहे हैं, खैर देश के लिए भी कुछ कर ही रहे होंगे यार। लेकिन एक जो मैं बात सोचने लग रहा हूं, शायद मैं गलत ना हूं, तो कितने ऐसे नेता हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहे हैं। और वो मैंने एक बारी उनका चौधरी अनिरुद्ध देवीलाल चौटाला जी का इंटरव्यू करा था, मैंने आदित्य देवीलाल चौटाला जी का इंटरव्यू, तब उन्होंने भी कहा था, आज उसी पार्टी से भी विधायक भी हैं, भाई ये जो लग रहे हैं इनके पास इतनी जमीन कहाँ से आई, इतने हर शहर में इनकी जगह है, इतना सिस्टम कहाँ से आया। तो यो जो इतना बड़ा सिस्टम है, और अब ये तो खैर छोटे छोटे नेता में काउंट हो गए, सोनिया गांधी जी है अपने बेटे राहुल गांधी जी को ले गए। मतलब कितने बड़े स्तर पे भी ये परिवारवाद हैवी है। और इधर से अगर मैं बात करूं हमारे मनोहर लाल खट्टर जी की, बात करा हमारे आदरणीय मोदी जी को लेकर, इनके आगे पीछे कोई नहीं है। अभी बात मैं क्यों करूं भाई, कौन किसके परिवार के लिए लग रहा है, शहर के लिए लग रहा है, हल्के के लिए लग रहा है, राज्य के लिए और देश के लिए लग रहा है, और कौन है जो सिर्फ अपने तो आगे पीछे कोई है ही नहीं और सिर्फ समाज खतरे लग रहे हैं, उसका कोई खुद का घर भरण का कोई मामला नहीं है, कभी सामने ही नहीं आया। राहुल गांधी जी के भाषण सुन लो, अरबपतियों की सरकार, अरबपतियों की सरकार, पूंजीपतियों की सरकार, उससे नया डायलॉग नहीं उनके पास। मतलब कितनी बातें हैं। और मैं 2018 से मैं एक वीडियो बनाने लगा था, तब से लेकर आज तक मैं यूं देखूं मनोहर लाल खट्टर जी ने कितनी गालियां सुनने को मिली हैं, मोदी साहब ने कितनी गालियां सुनने को मिली हैं। कभी आपने ऐसा लगा कि कोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कोई उल्टा बोल पड़ा है? कभी आपने सुना कोई शैलजा जी से न शैलजा शैलजा तो
माफी चाहूंगा, शैलजा जी तो भाई बहुत शानदार आदरणीय और इकलौती वो ऐसी नेता हैं जिनको मैं यूं मान लूं कि वो अपने एथिक्स पे स्ट्रोंग हैं। एक सिर्फ 90 विधानसभा में एक शैलजा जी को मैं बहुत एथिक्स वाली लड़ी मानता हूँ राजनीति में, जो इतनी ईमानदारी से इलेक्शन लड़े। सॉरी, शैलजा जी के बारे में नहीं कहूंगा कुछ मैं। रणदीप जी हैं, हुडा साहब हैं, राविंद्र जीत जी हैं, ये कितने नेता, जेपी साहब हैं कांग्रेस वाले, भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, किसी की मजाल है जो इनके बारे में कुछ उल्टा बोल जावे? है मैं किसी में मत हो सकता हूँ इतना उल्टे बोलते हो सकता है, लेकिन मेरी नजर में नहीं आए ऐसे। अगर हो तो भाई कमेंट बॉक्स में बताइए भाई, हम भी गाली दिया करते या हम उल्टे बोल जा करते इनते, ऐसे लोगों तो बताइए कमेंट। मैंने अभी तक नहीं लगा ऐसा, हो सकता हूं, लेकिन मैंने देखा खट्टर साहब को क्या क्या डायलॉग दिया करते, मैंने देखा मोदी साहब को क्या क्या डायलॉग सुनने को मिले। ऐसा है क्यों? जब आदमी अपने बारे में नहीं सोच रहा, खट्टर साहब मोदी जी जब अपने बारे में नहीं सोच रहे, देश के लिए काम करने लग रहे हैं और इनको ही गाली मिलने लग रही है, और जो गाली देवे हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं, बड़ी बात। या आज जो यूट्यूबर, जो मीडिया वाले खट्टर साहब को, यो मोदी साहब को गंदा गंदा बुलवा देवे हैं, जो भी बुलवावे हैं, अब मैं तो खैर ध्यान नहीं कौन कौन बुलवावे, मतलब जिनकी मीडिया में, यूट्यूबरा में जिनके ऐसे ऐसे बात चले हैं, तो बड़े अचरज की बात है खट्टर साहब या मोदी जी उन पर कोई एक्शन नहीं लेते। मैंने किसान आंदोलन में देखा यो सीन, मतलब मार देने तक की धमकी थी, खट्टर साहब का हेलीकॉप्टर तक नीचे नहीं उतरने दिया। क्या खट्टर साहब में इतनी कैपेसिटी नहीं थी भी हेलीकॉप्टर नीचे उतर? मुख्यमंत्री है, एक बयान से एक बार ऑर्डर ही तो देना पुलिस वालों को, जबकि वो गांव पक्ष में कि भाई हम प्रोग्राम करवाओ, उसके बावजूद हेलीकॉप्टर तक नहीं उतरने दिया। मैं सिर्फ आम जनता से यह पूछना चाहूंगा, खट्टर साहब का स्वार्थ क्या था? मैं उनकी प्रशंसा नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इसके पीछे की साइकोलॉजी जानना चाहूं। हो सकता है देश में सब तई गाली मिलती हो सकता है देश में सबका अच्छा हो, लेकिन ऐसा नैरेटिव क्यों दिखाई देवा है कि कुछ भी कहना है, कुछ भी उल्टा सुल्टा बोलना है तो खट्टर से कह दो, कुछ भी उल्टा सुल्टा बोलना है तो मोदी से कह दो, ही इज इजी टारगेट, जबकि अपने परिवार के लिए इन्होंने कुछ नहीं करा। एक बार की खबर थी जब खट्टर साहब नए नए मुख्यमंत्री बने थे, तो इनकी बिरादरी के लोग इनसे मिलन गए थे, तो खट्टर साहब ने उनको ये कहा था, भाई अरे मैं किसी का परिवार आड़ा कुछ नहीं लगता, सामूहिक काम हो तो आज नहीं है। मतलब इस स्तर पे खट्टर साहब के बयान थे, उन्होंने सच में, मैंने तो ऐसा ही लगा कि उन्होंने सच में अपने खातिर कुछ नहीं करा। मैंने एक बारी उनका इंटरव्यू करा था, संजय भाटिया जी का, मजाक में पूछ लिया, माजी खट्टर साहब के अकाउंट में कितने पैसे हैं? यूं बोले, जगदीप 9.5 साल वो मुख्यमंत्री रहे, अरे मेरे को फोन कर कर बुला के ये कहते हैं, अरे संजय मैं इन पैसों को कहाँ यूटिलाइज करूँ, मतलब कहाँ यूज करूँ। माजी कितने पैसे थे? बोला 23 लाख रुपए। 9.5 साल में मुख्यमंत्री साहब के पास 23.5 लाख रुपए, और खुश हो रहे भाई इतने पैसे मैं कहाँ लगाऊं, और कितना इजी टारगेट है खट्टर को कैसे कैसे शब्दों के साथ बोला गया। किसी में हिम्मत है हुड्डा साहब के बारे में बोल पड़ा? हो सकते हैं बोलते होंगे, लेकिन कमेंट बॉक्स में बताइए कौन कौन है जो ऐसे बोल रहा है। किसी में हिम्मत है जो रणदीप जी, मैं यूं नहीं चाहता कि उनके बारे में बोल लो, मैं सिर्फ आम जनता की बात जानना चाहूं, ऐसा क्यों है या मैंने गलत दिखा है? मोदी साहब के बारे में कितना गलत बोला गया, मोदी साहब ऐसे पहली बार मैंने प्रधानमंत्री देखे जो दूसरे देश के लोग उनके पैर हाथ लगाम जोड़ रहे, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं। ट्रंप अब इलेक्शन जीत गए तो मोदी का नाम हिंदुओं के लिए कहते हैं, ट्रंप आई लाइक हिंदू, मारे याड़े के इंडिया के नेता जो कनाडा में इतना दुर्दांश हो रहा है, जो बांग्लादेश में, उनको लेकर बहुत बड़े बड़े लोग नहीं बोले, लेकिन ट्रंप बोला क्यों? ऐसा क्यों? तो भाई, या सिर्फ साइकोलॉजी में आम जनता की जानना चाहूं, भाई जिस आदमी ने
मैंने एक बात और सुनने को मिली थी, झूठी के सच्ची मैंने पता नहीं, अब्दुल कलाम जी जब हमारे देश के राष्ट्रपति थे, जब उनका शरीर पूरा हुआ तो इतनी भीड़ नहीं थी उनके साथ भी, उनके दाह अंतिम संस्कार में या जो शब्द आप उर्दू बोल लो, उनके साथ इतने मुस्लिम नहीं थे जितने औरों के उसमें दिखाई देवे हैं। मतलब जो व्यक्ति देश और समाज के लिए बहुत कुछ करा है, क्या वो गालियां ही सुना है? जो व्यक्ति अपना, अपने बेटे का, अपने परिवार का, अपने खानदान का, अपने रिश्तेदारों का, अपने लोगों का बरा है, उनके लिए तो इसका मतलब एक बात यह भी होगी ना, जो मैं मेरा सोचूं, मैं मेरे बेटे का सोचूं, फिर कोई फालतू बोले तो उसका दो पीछे दे दूं, फिर वो जो गुंडा तबका है वो चुप हो जावे है, फिर उसका दो पीछे देकर किसी औरते बुलवा दूं, कैसा हुआ है? मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा, मैं किसी जन किसी नेता के बारे में भला बुरा नहीं बोल रहा, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहूँ कहाँ मैं गलत हूँ। भाई जगदीप तू वहाँ गलत है, वहाँ उस नेता के बारे में ऐसा बोला गया, ऐसा बोला गया, ऐसा बोला गया। लेकिन मैं जब 2018 से मैंने चैनल शुरू किया तब से मैं यूँ देखने लग रहा हूँ, खैर उससे पहले मैं यूट्यूबर नहीं था, उससे पहले भी मैंने ऐसा कभी देखा नहीं। इसका क्या मतलब? जनता तो हम ही हैं, हम ही तो वोट दे वहाँ। तो भाई बस यही एक मन में जिज्ञासा थी, यह जानना चाहूँ किसी भाई के पास कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब है तो कमेंट में बता दियो, गाड़ गुड़ देना बता दियो भाई, क्योंकि मेरे लिए तो कोई गुंडा टोल नहीं। आम जनता के बारे में सोचूँ हूँ, लोगों के बारे में सोचूँ हूँ, जो सवाल मन में आ गया पूछ लूँ हूँ। हाँ मेरे के लिए गुंडे होंगे तो किसी की हिम्मत नहीं थी को उल्टा बोला, हाँ पर इजी टारगेट हूँ देलो गाली है, मेरे गला कोई टोल को नहीं, मेरे एक फोन पर 10 बंदे इकट्ठे नहीं होने, गाड़ी में तो 5 आदमी नहीं चलने, कोई ढूंगे में बंदूक धर के मेरे गला कोई चलनिया को नहीं। मेरे बहुत सारे लोगों को कहते हैं अरे मेरी गाड़ी में बिंडा तो के छोटी लाठी भी गोली, मतलब क्यों रखूं मैं? किसी ने अगर मेरा मरना ही होगा तो वे दरी रह जाएंगी गाड़ी में। तो भाई एक मैं हूँ, मेरे एक छोटा भाई है जो गाड़ी चला ले है, मेरी वीडियो वाडियो बना ले, हम दो ही जने रहो वहाँ, तो मतलब इजी टारगेट हूँ मैं भी। कल ने कोई मेरे पास बात आ जाए तो मेरे कोई आगे पीछे बोलनी है नहीं, भाई उसका क्यों कह दिया है, ऐसा मेरे के लिए कोई है नहीं। तो भाई सिंपल सा आदमी हूँ इसलिए मैं तो, खैर जब मोदी साहब बोलेगा बोल पड़ा, मेरा तो सुधा ही कुछ नहीं, पर सच में ये एक कड़वी सी सच्चाई है। और कई बार सोचा है समाज में रहा तो समाज में ये बातें चले भी हैं, समाज के बारे में सोचा भी है। तो फिलहाल एक छोटी सी वीडियो थी, और किसी नेता के ऊपर कोई आरोप नहीं है, लेकिन जो अपने परिवार के बारे में सोच कर चला है वो बहुत जगह से अपने आप को सेफ करके चला है ऐसा लगा है। तो फिलहाल यह वीडियो इतनी, भाई आप अपने अभिव्यक्ति की आज़ादी का थोड़ा सा फ़ायदा उठा ला, और सभी नेता अच्छे हैं क्योंकि जनता ने उनको चुना है, तो कहीं ना कहीं उनमें अच्छाई भी है, और अगर सब में कुछ कुछ बुराई है तो कहीं खट्टर मोदी में भी बुराई होगी भाई। तो फिर छोटी सी वीडियो इतनी, मन में जिज्ञासा थी, मैं सोचा इस बात पे पूछा जाए कहाँ मैं गलत हूँ कहाँ मैं सही हूँ, भाई कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई बता दियो कि भाई जल्दी थोड़ा थोड़ा गलत था। तो फिलहाल तो यह वीडियो इतनी, आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में राय दे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद भारत माता की जय, थैंक यू।